वेलकम टू द CGPSC मेंस प्रोग्राम ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और आज का ये पॉलिटी एनालिसिस वीडियो आपका जो टॉपिक 4 पॉलिटी का क्रिएट किया गया था दो दिन पहले उस पर है। ये जो टॉपिक 4 है आपके सामने डिस्प्ले हो भी रहा होगा। इसमें आपके पॉलिटी के मेंस के सिलेबस के जो आखिरी के रेसिडुअल टॉपिक्स है वो सब मैंने पुट कर दी थी, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो जितना टोटल सिलेबस था उसके 4 हिस्से कहे थे मैंने कि करूँगी, और उसमें जो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो टॉपिक 4 में आपका एडेड है। तो इस पर से हमने 7 क्वेश्चंस क्रिएट किए थे दो दिन पहले डिस्कशन कम्युनिटी में, और उसी पर से आज का एनालिसिस वीडियो है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड द फर्दर एनालिसिस, अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली आंसर्स अपलोड कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। ठीक, मैं नाम लेना चाहूंगी उन लोगों के, शुभम जैन, तारिणी देवांगन, साक्षी मित्तल, प्राची केशरवानी, आकांक्षा पांडे, ऐश्वर्या पांडे, पंखुड़ी तिवारी, मधुलिका दिक्सेना, आंचल टिर्की। ठीक, और भी कुछ चीज़ अगर मान लीजिए कोई छूट रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली आंसर्स लिख रहे हैं। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि ये लोग जो आंसर्स लिख रहे हैं आप ये मान के चलिए कि कम से कम जितने क्वेश्चन अब तक अपलोड हुए हैं वो करीब करीब सभी फॉर्मेट के आंसर्स लिख रहे हैं। ठीक, और अजय शंकर दुबे, मैं एक दो नाम मिस कर रही हूँ, ठीक है, आई अपोलोजाइज अगर मैंने लोगों के नाम मिस किए जो रेगुलर आंसर्स लिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे जा रहे हैं इनके द्वारा, और ये मान के चलिए कि इनके सारे टॉपिक से मेन मेन जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो चुके ऑलरेडी, मतलब दे हैव डन पार्ट ऑफ देयर वर्क अर्लियर ओनली। तो ऐसा है कि इसके बारे में डिटेल एनालिसिस जानना पढ़ना बात की बात है, पर ये मान के चलिए कि दे हैव ऑलरेडी एक एज वो आपसे ले चुके हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा पोर्शन जो है वो प्रिपेयर होकर रखा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि ये रिपीटेडली आंसर्स लिख रहे हैं पर नए लोग जो हैं वो अभी भी हिचकिचा रहे हैं। भाई क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आंसर्स लिखना जो है अभी इम्पॉर्टेंट है, इनिशियल स्टेज पर लिखिए, मिस्टेक करिए, रेक्टिफाई करिए अभी, पर हिचकिचाइए मत। ठीक, रिव्यूज़ धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी ये वाला जो टॉपिक आज मैं एनालाइज कर रही हूँ, ठीक, हो सकता है उसमें इनिशियली रिव्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, धीरे धीरे करके हमको जैसे टाइम मिलता जाएगा हम सभी पर या मैक्सिमम पर रिव्यूज़ देने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपके पर रिव्यू ना मिले, किसी ने लिखा और उसके में रिव्यू आ गया तो आप उसका रिव्यू देखिए, उसमें भी उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद आपने गलत की होंगी या आपके काम की हों। तो दूसरों की भी रिप्लाइज देखिए, दूसरों की भी रिव्यूज़ देखिए, उनके आंसर्स देखिए, एंड दैट विल बेनिफिट यू। आई अगेन इंसिस्ट दैट यू हैव टू अपलोड आंसर दैट विल बेनिफिट यू इनडीड। ठीक है, ट्राई, और आप देखिएगा इसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मेंस में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगेन मैं फिर से ये चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि भाई चीज़ें अगर डिटेल में जाननी है, अभी तो यहाँ पे फॉर्मेट है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में जाननी है तो हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़िए, उसमें डिटेल में सारा कोर्स जो है वो कवर किया गया है। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द टुडेज़ टॉपिक नाउ। आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है ये डिस्क्रीट टॉपिक्स हैं, अलग 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 टॉपिक्स हैं, और इसमें से हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने जो क्वेश्चंस पुट किए हैं उसमें वो जो है एक एग्जांपल के तौर पर है। ठीक, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये वाला जो टॉपिक है खासतौर पर देखिएगा, प्री में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मेंस में ऐड किया गया है और ये मेंस ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना रहता है। एक्चुअली सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में प्रिलिम्स में लोग ध्यान नहीं दे, इसलिए मैंने इसका खास तौर पर यहाँ पर नाम लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, कार्यकारी जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं, विधायी संबंध होते हैं और वित्तीय संबंध होते हैं, उसके ऊपर आप सब तीनों ही फॉर्मेट पे आप 100-100 वर्ड्स प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, क्योंकि उस पे से 60 वर्ड्स पूछे, टू मार्क्स का पूछे वो तो बात अलग है, पर ये 100 वर्ड्स के कहीं ना कहीं आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका प्रोसीजर जो भी दिया गया है आर्टिकल 368 के बारे में थोड़ा बहुत, और प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके कौन से तरह के विधेयक में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर, इसमें जैसे मेजॉरिटी जिस तरह की या बहुमत जिस तरह की चाहिए होता है वो तरीका, वो पूरा प्रोसेस, और किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में 2 मार्कर क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके अमेंडमेंट भी पूछ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल 103rd जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले प्रिलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते हैं उनको ज़रूर ध्यान दें। इमरजेंसी प्रोविजन हमेशा ही प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है,
बिल्कुल जैसे मैंने सेंट्रल स्टेट में कहा, बिल्कुल ऐसे इमरजेंसी में भी तीन मेन टॉपिक आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के बारे में जितने संवैधानिक प्रावधान हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर 100 वर्ड्स बना करके आप रखेंगे। और एक जो नई चीज़ है वो है छत्तीसगढ़ का प्रशासन। आप ये पार्ट छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका, यहाँ की व्यवस्थापिका, यहाँ की विधायिका, कार्यपालिका, ये जो तीनों पार्ट आप प्रीलिम्स में सीजी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, बस उसी का एक ऊपरी स्केलेटन जो है, एक सतही जो नॉलेज है आपको यहाँ पर चाहिए। मतलब यहाँ के न्यायपालिका की संरचना, यहाँ आपकी विधायिका की संरचना है, कार्यपालिका की संरचना है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स की कितनी क्या सीटें होती, कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस क्या है, एक सदनीय, दो सदनीय, कितने मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब एक होता ना कि 91st Amendment के जरिए इतने मिनिस्टर्स तय किए गए थे, अभी वर्तमान के मंत्रिमंडल के बारे में कुछ ना कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ सकता है, विधानसभा इलेक्शंस के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ प्रशासन में आप प्रीलिम्स में जो कुछ पढ़ते थे उसी को मेंस के लिहाज से आपको पढ़ना है, कोई अलग चीज़ इसमें दी नहीं गई। इज दैट क्लियर? सो लेट अस क्विकली नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द 2 marker क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से था, कि आपको कुछ कमिटीज का मेंशन करना था जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर यानी केंद्र राज्य संबंध पर बनी थी। 2 marker क्वेश्चन था, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन और आपको फैक्चुअल आंसर देना है, ठीक। तो आप इसमें जितनी भी कमिटीज बनी हैं आप फ्री हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कि आपको 2 कमिटीज़ 3 कमिटीज़ कितनी बतानी है। आप अपने हिसाब से जितनी कमिटीज़ आपको याद आती हैं वो लिख दें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लिखा है, पेन डाउन किया है कि 4 important committees थी। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी 1966 में बनी, राजमन्नार कमेटी 1969 में पीवी राजमन्नार की चेयरमैनशिप में, उसके अलावा सरकारिया कमीशन 1983 में, काफ़ी फेमस ये कमेटी बनी थी, केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने विचार रखे थे आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में। उसके अलावा सन 2007 में मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में पंछी कमीशन जो है वो बना था, ठीक है। तो ये जो 3-4 committees हैं, अगर आपका परफेक्ट आंसर बोलेंगे तो अगर आप चारों कमिटीज़ का सिर्फ उल्लेख करते हैं और सामने उनके ईयर्स की कब वो बने थे वो लिख देते हैं तो परफेक्टली यू विल फैच 2 marks। अब आपको सारे कमिटीज़ नहीं याद आ रहे हैं, सरकारिया कमीशन काफ़ी फेमस है तो एक तो याद आ ही जाता है, एक आध अगर आपको राजमन्नार या पंछी याद आ रहा है और आपको बाकी नहीं याद आ रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए मान लीजिए 2 ही याद आते हैं, तो 2 लिखने के बाद उनके चेयरमैन के नाम या एक आध लाइन उनके बारे में कुछ और अगर आप जानते हैं तो वो लिख दें, ठीक। और अगर चारों याद आते हैं और सबके ईयर्स भी याद रहते हैं तो फिर 2 marks आपके कहीं नहीं गए। मैं तब की बात बता रही जब आपको सब याद नहीं आता और फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी 2 लिख सकते हैं, ईयर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ऐसा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पे भी डिपेंड करता है ना, वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिफर करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो परफेक्ट ये है आपने चारों की ईयर्स लिखी, चारों ईयर। अगर मान लीजिए आप चारों की ईयर्स ना लिख के सिर्फ 4 नाम भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि 4 लिख रहे हैं आप, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के नाम लिख दें, ईयर भी नहीं लिखें, तो वहाँ पर आपको आधा या 1 marks मिलेगा, ठीक। तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या पूर्व भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं, 4 ये पॉइंट्स लिखें, आंसर से मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। इसकी डिटेल नहीं लिखनी है कि इन्होंने क्या सजेशन दिए थे या कुछ भी, और कि इसकी रिकमेंडेशन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया था, कुछ भी नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल आंसर, यू विल फेच फुल 2 marks। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 of 2 marks। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य की जो विधायिका है, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका संरचना बतानी थी, उसकी कॉम्पोजिशन बताना था। एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कुछ आंकड़े बताने हैं और आपको मार्क्स ले लेने हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने आंसर्स अपलोड किए हैं उसमें मैंने थोड़ी सी वैरायटी देखी, हालांकि मैक्सिमम ने सही अटेम्प्ट किया है। कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितने नॉमिनेटेड हैं, कितने इलेक्टेड हैं वो लिखकर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश कर दी, कि जैसे कि कितना टर्म होता है या बाकी की सारी चीज़ें। और कुछ लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा ये डाल दिया कि प्रेजेंट छत्तीसगढ़ की जो विधायिका है उसके बारे में ये लिख दिया कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिले हैं और बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनरल टर्म्स में आपसे पूछा गया है कि भी नॉर्मली छत्तीसगढ़ की राज्य की जो विधायिका है उसकी संरचना क्या है, तो वर्तमान की विधानसभा के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रोप्रिएट अगर फैक्ट देखें तो काफ़ी लोगों ने लिखा है, उनमें मैंने जो नाम लिए हैं कांशा पांडे का, आप जाके आंसर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है। और यही इन्फॉर्मेशन बस चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य में
एक सदनी विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल है, और उसका मतलब भी समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक सदनी से समझ में आता है, ठीक है। मतलब यहाँ सिर्फ एक ही हाउस लिखने की ज़रूरत नहीं, एक सदनी है, दैट इज़ इट, ठीक। और यहाँ पर केवल विधानसभा है यानी कि निम्न सदन है, आप ये लिख सकते हैं एक सदनी। उसके बाद ये मत समझाएं कि एक सदन है, ये समझाएं कि एक सदनी है और यहाँ केवल निम्न सदन जो है वो विधानसभा है, और यहाँ पे विधानसभा में 91 टोटल सीटें हैं, और उसका जो पूरा बाइफरकेशन हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स में वो सारी चीज़ें लिख दीजिए कि इलेक्टेड 90 हैं, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड 1 हैं, और 91 सीट्स में जनरल 51, शेड्यूल कास्ट 10 और शेड्यूल ट्राइब्स को 29 सीटें जो हैं वो रिजर्व करके दी गई हैं। इतनी चीज़ें आपकी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी होंगी। कई लोगों ने ये वाला क्लासिफिकेशन छोड़ दिया है, सिर्फ ये और ये लिखा है, तो ध्यान दें ये पूरा लिखेंगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन था कि आपको वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताना था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, 2 पैराग्राफ्स में करके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जानते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देने, कोई पूर्व भूमिका नहीं, कोई निष्कर्ष की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 60 वर्ड्स हैं इसमें। तो जो मेजर चीज़ें इसमें आनी चाहिए वो मैंने यहाँ पॉइंट्स में पेन डाउन की हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको क्या चीज़ लिखनी ज़रूरी थी जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आप पार्ट मेंशन कर सकते हैं, आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल जो है, जो आपात उपबंध है उसमें से अनुच्छेद 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति देश के किसी भी राज्य में लगा सकता है, और उसका कारण ज़रूर उल्लेखित करें कि भई वित्तीय आपातकाल तब लग सकता है जब किसी राज्य में वित्तीय अस्थिरता हो, ये वित्तीय विश्वसनीयता को आघात पहुंचे, मतलब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल क्रेडिट जो है वो थ्रेटन हो जाए। अगर ऐसे सिचुएशन से सेटिस्फाई हो जाता है प्रेसिडेंट कि भाई हाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ की वित्तीय हालत को वहाँ की राज्य की सरकार संभाल नहीं पा रही है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। इसमें ख़ास बात इस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है किसी राज्य में तो राज्य सरकार को भंग नहीं किया जाता, अनलाइक स्टेट इमरजेंसी, जिस तरह से राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार को जब वो प्रशासन करने के अयोग्य दिखाई देती है तो भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनलाइक दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती है, बस इतना होता है कि उसकी जितनी वित्तीय शक्तियाँ होती है वो केंद्र के हाथों में आ जाती है, बाकी जो दूसरी शक्तियाँ वित्त से संबंधित जो नहीं है वो राज्य सरकार के हाथों में रहती है और वो सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। फाइनेंशियल डिसीजन इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेती है। ये जो पूरा डेफिनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रावधान है, इसे आप समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में कुछ चीज़ें कि जब राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो वो जब सेटिस्फाई हो जाता है तब वो डिक्लेयर करता है, लेकिन उसके इस निर्णय को संसदीय सहमति आवश्यक होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि तीनों ही तरह के आपातकाल में पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में जो चीज़ है कि भाई जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति मिलना ज़रूरी है, वरना ये वहीं पर रद्द कर दी जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अलावा जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल के जैसे इसकी कोई ऊपरी समय सीमा नहीं है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक ये राज्य के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नो लिमिट ऑफ कंटिन्यूएशन। उसके अलावा अगर कभी भी राष्ट्रपति को लगता है कि हालात वहाँ के वित्तीय सामान्य हो गए हैं और वहाँ पर वित्तीय आपातकाल हटाया जा सकता है तो प्रेसिडेंट अपने से वहाँ से हटा सकता है, इसलिए कोई और तरीके की कोई भी मेंशनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, प्रेसिडेंट की रिवोक दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, जब भी उसे ज़रूरी लगता है। और याद रखिएगा हमेशा इमरजेंसी का मतलब है कि हमने नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है, और ये ना सोचे कि अगर एक बार 1 साल के लिए लग गया है, 6 महीने के लिए लग गया तो उतना कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी का मतलब ये होता है, हर तरह की इमरजेंसी में इस चीज़ को याद रखें कि जितने जल्द से जल्द हो सके उसे हटाया जाता है। एक बार में 6 महीने के लग गया इसका मतलब ये नहीं कि हम 1-2 महीने में उसे हटा नहीं सकते। कोशिश तो यही रहती है केंद्र सरकार की कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इमरजेंसी हटाई जा सके। तो वित्तीय आपातकाल में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति कभी भी इसे अपने स्वविवेक से हटा सकता है। और एक चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये इकलौती एक ऐसी इमरजेंसी है तीनों ही टाइप्स में जो इंडिया में आज तक कभी किसी राज्य में नहीं लगाई गई।
इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जाहिर सी बात है आप इसके दो पैराग्राफ्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स विल फेच यू मोर मार्क्स। ठीक है, पॉइंट्स में अलग अलग दिखता है तो ज़्यादा सही वो तरीका रहेगा, या तो दो पैराग्राफ्स बनाइए या 7-8 पॉइंट्स दे दीजिए, 4 अगर आपके मार्क्स हैं तो 8 पॉइंट्स विल फेच यू फुल मार्क्स। ठीक है, याद रखिए ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट है, बिल्कुल अप टू डेट है, तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स 7 से 8 रखें, जितने प्रोविजन जानते हैं डालिए और आंसर्स के पूरे मार्क्स ले लीजिए। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स का आपका सेकेंड क्वेश्चन था कि संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने तरह के बहुमतों का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अगेन देखिए, इसमें अगेन आप 100 वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं और आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को एक सही फॉर्मेट में फ्रेम करना है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है, ये सभी को पता है। पार्ट कौन सा है ये भी सबको पता है। ठीक है, इसके ज़रिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है सभी को पता है, पर ये सारी चीज़ें पूर्व भूमिका में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगेन ये इतना बड़ा आंसर नहीं है जिसमें आपके पास ज़्यादा लाइनें हों अपनी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। जितनी लाइनें हैं उसमें जो सटीक आंसर अगर आप वो लिखेंगे तो आपको तब पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई पूर्व भूमिका ना बांधे। इसमें आपको सीधा बता देना है, हाँ आप आर्टिकल का मेंशन कर दीजिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उसके महत्व वगैरह को बताने की कई लोगों ने कोशिश की पर उसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, आप इसमें सीधा बता दीजिए कि आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है उसमें संविधान के अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग बहुमतों का उल्लेख किया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन अलग तरीके से अमेंड हो सकते हैं तो कुछ और कुछ अलग तरीके से, यानी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट इज डिफरेंट। आप ऐसा करके शुरू कर दीजिए और उसके बाद पॉइंट्स में इन चीज़ों को लिख दीजिए। काफ़ी लोगों ने अच्छा लिखा भी है। 3 तरह की प्रक्रियाएं दी गई हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी से कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत, यानी शॉर्ट में लिखा मैंने ऐसे, मैंने स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति। ये 3 तरीकों का उल्लेख करना तो मैंडेटरी है, इससे ही मेन मार्क्स मिलेंगे आपको। अब उसके आगे इतना आप उल्लेख कर देते हैं और इनके मीनिंग को समझा देते कि साधारण बहुमत मतलब क्या या इसका मतलब क्या, तो ये 2 मार्क्स आपको मिल जाते। लेकिन अगर 4 मार्कर है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। जैसे कि पहले हम इसी पर आते हैं कि भाई साधारण बहुमत का मतलब है कि कुछ प्रावधान ऐसे अमेंड हो सकते हैं जिसमें उस वक्त प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी मौजूदा जो उस दिन सांसद मौजूद हैं और जो वोट डाल रहे हैं उसके 50% से अधिक ने अगर बहुमत दे दिया तो वह संशोधन हो जाएगा। और विशेष बहुमत का मतलब ये है कि इसमें जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा, जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की 50% से ज़्यादा फेवर में होने चाहिए वोट्स, और साथ ही साथ वो आंकड़ा वर्तमान में वोट डालने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जा करके वो प्रावधान बदला जाएगा जिसमें इस तरह की बहुमत की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस वो जो आपका बहुमत है वो प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये वाला और ये वाला में जो बड़ा आंकड़ा है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा और वही मिनिमम रिक्वायर्ड फेवरिंग वोट होगा। ठीक है, तो आप इसे समझा दीजिए। और इसका मतलब ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी में जो भी हमने देखा साथ ही साथ, यानी केंद्र से स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से पास होना ही चाहिए वो वाला विधेयक, साथ ही साथ भारत में जितने राज्य हैं उसमें से कम आधे राज्यों की सहमति, मतलब विधानसभाओं में जितने भारत में राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में वो बिल पेश होगा, और विधानसभाओं में कम से कम साधारण बहुमत से आधी विधानसभाओं की भी सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इस वाले पार्ट में सेंटर में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है, लेकिन जब स्टेट की मेजॉरिटी की बात आती है कि आधे राज्यों की जो हम सहमति बोल रहे हैं वो किस तरह की सहमति है, उन वहाँ पे किस तरह की बहुमत की ज़रूरत है, तो राज्यों में साधारण बहुमत चाहिए। आधे राज्यों ने साधारण बहुमत से अगर उस बिल को पारित कर दिया, केंद्र में विशेष बहुमत से मिल गया तो वो बिल पारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप समझा सकते हैं, साथ ही साथ कोशिश ये करें कि आप एग्जाम्पल्स दें कि संविधान की कौन से प्रावधान
जो है सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, कौन से इससे और कौन से इससे। जैसे कि आर्टिकल 2-3, अगर आपको नया राज्य भारत में सम्मिलित करना है या आर्टिकल 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में उसके एरिया में कुछ में भी कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए, या फिर पार्ट 2 यानी नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान है उसमें कुछ संशोधन करना है, कोरम की कुछ या गणपूर्ति के बारे में कुछ आपको रूल बदलना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर संसद की जितने नियम कायदे कानून उनमें कुछ परिवर्तन करना है, या शेड्यूल 2 यानी लोगों के जो इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस है, वेतन भत्ते, उसमें कुछ परिवर्तन करना है। ऐसे करके जितने एग्जाम्पल, आपको ये तो पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम जितने प्रावधान है वो साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। तो जितने याद आते हैं उनको आप यहाँ पे लिख दें, इनमें से जो भी एक दो भी चलेगा, एग्जाम्पल देना है आपको एक या दो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद विशेष बहुमत से अगर हम बात करें तो भाई जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसे कि मौलिक अधिकार या DPSP में जो संशोधनीय हिस्से हैं, ज़्यादा कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट को आप हटाते हैं, पर हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में भी कुछ ऐड डिलीशन हो सकता है। तो मौलिक अधिकार DPSP जैसे मूलभूत इंपॉर्टेंट चीज़ों में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत से ही हो सकता है, तो उनके एग्जाम्पल्स दे दें। और तीसरा ये है कि अगर कोई ऐसे संवैधानिक प्रावधान को आपको संशोधित करना है जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, यानी कि वो संघीय प्रावधान है, दैट इज़ अ फेडरल फीचर, थर्ड वाला किस चीज़ के लिए, कोई भी फेडरल फीचर के लिए, तो उसके लिए आपको फिर राज्यों की भी सहमति ज़रूरी है, केंद्र अकेले निर्णय नहीं ले सकता। तो जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि उसमें राज्य के विधायक भी वोट डालते हैं, और अगर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं संशोधन के ज़रिए, तो सिर्फ केंद्र अकेले नहीं कर सकता, चाहे वो विशेष बहुमत से ही क्यों ना हो, उसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो फेडरल फीचर, संघीय फीचर्स की कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, केंद्र राज्य के जितने भी संबंध पार्ट 11-12 में दिए गए हैं, जैसे कि विधायी संबंध हो या कुछ और, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी परिवर्तन संविधान में करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह की बहुमत की आवश्यकता है। तो डू एग्जाम्पलीफाई द 3 टाइप्स, और इतना अगर आपने लिख दिया तो पूरे 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। इज इट क्लियर? कंटेंट ये होना चाहिए। अगेन जितना हो सके आप हाईलाइटिंग करें, आप पॉइंट्स पे लिखें, जो छोटे छोटे हैं 2-4 में तो आप उसको तो मैक्सिमम पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, वो अलग अलग से दिखता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8 मार्क क्वेश्चन। 8 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया था और उस पर टिप्पणी करनी थी, और ये स्टेटमेंट आपका पार्ट 14 से था, मतलब कि आपका लोक सेवा आयोग वाले क्वेश्चन से, टॉपिक से था, दैट UPSC इज़ द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कमेंट। UPSC जो होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वो केंद्र का जो मेरिट सिस्टम है उसका प्रहरी है, आपको टिप्पणी करनी थी इस पे। कुछ लोगों ने कहा कि इसका कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है, तो मैं उनको उसमें रिप्लाई भी करूँगी डिस्कशन कम्युनिटी में, आप उनके आंसर्स बिल्कुल देखिएगा, मैं आपको डिस्कशन कम्युनिटी में बताऊँगी कि इनके आंसर्स अच्छे हैं, आप मेरे रिप्लाईज उसमें ज़रूर देखिएगा। कंटेंट कई लोगों को या फ्रेम समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले समझे कि आपको इसमें बताना क्या है, पूछा क्या है, एक स्टेटमेंट है, कमेंट करना है, तो मैंने तरीका तो बताया भाई आपको कि 2/3 आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और 1/3 अपने कमेंट यानी टिप्पणियाँ उसमें रख दीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पैराग्राफ्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसे पॉइंट्स भी है तब भी आपको एक कंक्लूजन देना, निष्कर्ष करना तो ज़रूरी है ही। तो UPSC के बारे में ये एक स्टेटमेंट जो है ये सीधा सीधा इसकी भूमिका से संबंधित है, जो कह रहे थे कि इसका कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, ये समझें कि ये रोल को ही समझाना है आपको कि UPSC का रोल क्या है, ठीक है, कि UPSC जो 315 से 323 के बीच में दिया गया एक स्वतंत्र आयोग का उल्लेख है जिसमें, तो इस आयोग का मेन काम है कि जितनी अखिल भारतीय सेवाएं होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, उसका रिक्रूटमेंट करना। आप ये लिख सकते हैं कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बिन मैंशन इन पार्ट 14 फ्रॉम 315 to 323, एंड इट इज़ द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, जो भारत में अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय जो सरकारी सेवाएं होती है उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की जितनी पोस्ट होती है उनका रिक्रूटमेंट करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती हैं और एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज़ के थ्रू भी करती हैं। ये मेन काम है, आप 2 लाइन में या 25 वर्ड्स में करीब करीब इसके आर्टिकल पार्ट्स और इसके मेन काम को बता दीजिए। साथ ही साथ
ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है। जब भी सरकार को जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते हैं उनसे रिलेटेड को डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं उससे डील करना रहता है या उनके प्रमोशन से डील करना रहता है तो UPSC एडवाइस भी देती है। ठीक है, तो मेन तो काम है रिक्रूटमेंट करना, साथ ही साथ डिसिप्लिनरी मैटर्स जो आपके सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है और जो आपके प्रमोशंस हैं उससे रिलेटेड एडवाइस देना ये काम है। साथ ही साथ आप ये भी बता देंगे भूमिका में, मतलब समझ रहे ना, आपको भूमिका समझाना है मेनली। भूमिका में क्या नहीं करता उसका भी उल्लेख किताबों में रहता है, वो भी उसे भी बताएं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो सैलरी होती है, जो पेमेंट होती है, जो सर्विस की कंडीशंस होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर पे सरकार इनसे एडवाइस नहीं लेती, ना ही सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसमें UPSC का कोई रोल है। हम सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो आपकी सरकार का ये विभाग है यही जो है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देता है, इसमें UPSC की कोई भूमिका नहीं होती। तो क्या मेन भूमिका है और क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि भूमिका नहीं है, उन दोनों को ही आप समझाएंगे, ये एक्चुअल कंटेंट है। ठीक है, और एक स्वतंत्र निकाय ये भी आप ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह से आप इसे पहले रोल को समझा दीजिए कि क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक, उसके बाद जब आप ये बता देंगे और आर्टिकल्स वगैरह जो है ये आपके मार्क्स फेच करने में इम्पॉर्टेंट रहता है, उसके बाद फिर आप एक कमेंट बताएं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मैंने दोनों ही कहा, कमेंट का मतलब ज़रूर नहीं कि बुरा रहे, पर हाँ इसमें कुछ कमियां हैं UPSC में संवैधानिक प्रावधान में। पहली तो चीज़ ये कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, रिक्रूटमेंट के बाद ये जितनी चीज़ें मैंने कही यहाँ पर ये एडवाइस देता है और इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है सरकार पर। सलाहकार समिति है और एक कह सकते हैं सलाहकार आयोग है, और अगर ये एडवाइस देगा और सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, हाँ बस इतना सेफगार्ड दिया गया है कि सरकार को आंसर देना होगा कि UPSC ने जो भी सलाह दी है उसे क्यों नहीं माना जा रहा है, तो सरकार आंसरेबल हो जाती है, बस इतना ही सेफगार्ड दिया गया है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। तो इसका सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होना इसकी एक कमी है। ठीक, दूसरी चीज़, आजकल UPSC में केंद्र में प्रशासनिक सेवा या दूसरी सेवाओं में भर्ती के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है UPSC का, अनौपचारिक तरीके से ही कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है भर्तियों में, परीक्षाओं में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। देखो, पॉलिटिक्स को आप हर जगह कल्प्रेट बनाकर डाल ही सकते हो। और साथ ही साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्र सतर्कता आयोग का जब से अस्तित्व आया है, तो जब पहले UPSC से कंसल्ट किया जाता था किसी भी सिविल सर्वेंट के डिसिप्लिनरी मैटर से, तो ये वाला जो रोल है इस पर फर्क पड़ा है CVC के अस्तित्व में आने से, क्योंकि CVC जो है इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब ग्रुप ए ग्रुप बी के जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड करप्शन के मैटर्स को डील करता है CVC। सतर्कता आयोग समझते ही होंगे आप कि जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनमें यदि कुछ भी ऐसा करप्शन से रिलेटेड मामला है तो उसके ऊपर जो नज़र है वो CVC रखता है। तो CVC के अस्तित्व में आ जाने से UPSC का रोल जो है वो थोड़ा सा धूमिल हो गया इस मामले में, तो आप इसके बारे में भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप का जो एनालिसिस है वो आप कमेंट में रख सकते हैं। और आखिरी में कई लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट में मतलब कमेंट करके निष्कर्ष भी किया है कि भाई इन लूप होल्स को ये को हटा करके अगर हम UPSC को एक और शक्तिशाली इकाई बनाएं तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल जस्टिफाई हो सकता है कि वाकई में भारत में मेरिट सिस्टम का जो प्रहरी है वो UPSC है। ठीक है, क्योंकि अगर UPSC नहीं होता तो पार्शियलिटी होती, बायसनेस होती, और कई लोग सवाल उठाते कि भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट पद होते हैं भारत के उसके रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसका वॉच डॉग जो है मेरिट सिस्टम का UPSC जस्टिफाइड है अपने रोल से, लेकिन जो कमियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए। इस तरह से आप निष्कर्ष इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना है तो आखिरी का जो एक तिहाई पार्ट है उसमें आप ये कुछ कमियां बताकर उसको सकारात्मक तरीके से कंक्लूड कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो ये होगा इसका फ्रेम और कंटेंट। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2। सो आपके 8 मार्क्स का जो सेकंड क्वेश्चन है वो था आपका दैट यू हैव टू गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। कोई कमेंटिंग नहीं, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ एक विस्तृत विवरण देना था आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उस पर। तो पूरे जो संवैधानिक प्रावधान आप केंद्र राज्यों के बीच में जानते हैं या इम्प्लीमेंटेड प्रावधान जो जानते हैं उसका आपको पॉइंट टू पॉइंट सीधा एक डिस्क्रिप्शन देना है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको 100 वर्ड्स में
सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन थ्रो करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन आप थ्रो कर सकते हैं। तो देखिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का जो मेन कंटेंट आपको इसमें डिस्प्ले करना है, पहले तो भाई पार्ट बता दें, आर्टिकल बता दें कि भाई पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से 293 के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय तरीके से जो रिलेशंस हैं उनके बारे में कुछ उल्लेख मिलता है, और इस पर आपको ये 4-5 पॉइंट ज़रूर ऐड करने हैं, ठीक है, कि केंद्र राज्य संबंध किन किन तरीकों से हमको दिखते हैं, ठीक है, किस तरह का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय व्यवस्था से रिलेटेड। पहला आपको ऐड करना है कि एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, कराधान शक्तियों का जो वितरण है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, कर राजस्व का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज, गैर कर राजस्व का वितरण, ग्रांट सीनेट, सहायतार्थ अनुदान और बोरोइंग ऋण, इन मदों में आपको केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को समझाना है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है पूरी तरह से। तो पहला वाला जो है, जैसे कराधान शक्तियों का आवंटन संघीय ढांचे के तहत किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, जितनी भी लिस्ट है टैक्सेस की, उसमें से ऐसा कि भाई 15 ऐसे हैं जो केंद्र जो है उसके दायरे में आते हैं, 20 जो हैं वो स्टेट के दायरे में, और 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। कहने का मतलब, अगर मैं ईजिली बोलूँ तो संसद के पास 15 सब्जेक्ट जो लिस्ट में है उस पर कर लगाने का अधिकार है, राज्य विधानसभा या विधायिका के पास 20 और दोनों के पास जो है 3। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, इतना मेंशन करके ख़त्म कर देंगे। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स है उसके बारे में कुछ संवैधानिक बंटवारा किया गया है कि भाई कौन टैक्स लगाएगा, कौन टैक्स वसूलेगा और उन टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कौन करेगा। तो कुछ अनुच्छेदों का आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस अनुच्छेद के तहत कौन से तरह के टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा। ये खासतौर पर टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत करिएगा। इसमें आपको आर्टिकल 268, 269, 270, 271 और 279(1)(a) के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, ठीक है। जैसे 268 जो है, इसमें दिया गया है उन टैक्सेस के बारे में जिसे केंद्र लगाता है, उसके अलावा राज्य वसूलता है और राज्य उनके पैसों का इस्तेमाल करता है। 269 जो है केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है और राज्यों को दे देता है उन पैसों को, ठीक। 269(a) जो है वो IGST के बारे में है आपका, इंटरस्टेट GST। 270 जो है वो केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है और केंद्र और राज्यों के बीच में बंटता है पैसा, ठीक। उसके अलावा आपका 279(a) जो है ये आपका GST काउंसिल के बारे में है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो केंद्र राज्यों के बीच में टैक्स लेविंग, टैक्स का कलेक्शन और टैक्स के पैसों के अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, तो इसका उल्लेख ज़रूर करें, ठीक है। आर्टिकल्स जितना मेंशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इसमें आपको टैक्स के अलावा जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट को, उसके बारे में बताना है कि किस तरह की जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो केंद्र के पास जाते हैं, किस तरह के राज्य के पास। जाहिर सी बात है, केंद्र के तहत जितनी भी इकाइयां हैं वो राज्यों में ही स्थित होंगी, पर किसी राज्य में यदि केंद्र की इकाई स्थित है तो उससे जितना भी मुनाफा होता है, जितनी भी इनकम होती है वो केंद्र के पास जाती है। जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, ब्रॉडकास्टिंग होगी, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका जितना नॉन टैक्स रेवेन्यू केंद्र के खाते में जाता है, इरीगेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, ये स्टेट के पास जाता है। ये आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स। उसके अलावा ग्रांट्स एंड एड, सहायतार्थ अनुदान, इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्यों को जब भी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा पैसों के लिए, पैसों की अपने राज्य में कोई भी ज़रूरत के लिए, तो वो केंद्र से अनुदान लेता है या केंद्र उसे अनुदान देता है। तो ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट कितने तरीके के होते हैं वो आपको बताना है कि भाई दो तरीके के होते हैं, स्टैट्यूटरी होता है, डिस्क्रिशनरी होता है, यानी एक विधिक होता है और एक विवेकाधीन होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है जो कंपल्सरली तौर पर केंद्र को राज्य को देना ही होता है, और डिस्क्रिशनरी वो होता है जो ऐच्छिक होता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी है वो आपको बताना है। आर्टिकल 275 का जो मेंशन है आप ज़रूर करेंगे, इसमें 275 के तहत ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है वो है बोरोइंग या ऋण का। केंद्र या राज्य सरकार को जब भी अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए कोई ऋण चाहिए होता है तो वो ऋण कहाँ कहाँ से अवेल होता है ये भी आपको देखना है, ठीक है। इंटरनल मार्केट से हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो, राज्य केंद्रों से जो ऋण लेता है इसके बारे में कुछ उल्लेख आपको किताबों में मिलेगा कि कैसे ये लोग ऋण व्यवस्था को मैनेज करते हैं, इसका भी आपको मेंशन इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर से आपका 10 मार्क्स का आंसर
भी आ सकता है बिकॉज इट कंप्राइजेज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. सिर्फ डिटेल अकाउंटिंग भी करेंगे तो भी काफ़ी कुछ इसमें लिखने को है. अब ये है कि इतनी चीज़ों में आप 100 words में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही डाल सकते हैं, वो भी शॉर्ट करके. आप कोई भी एक चीज़ को एलेबोरेट करने जाओगे तो आपके पॉइंट्स छूटेंगे. आपके ये पॉइंट्स नहीं छूटने चाहिए. अब इसमें से आपकी इच्छा है कि आप किसको किसको एलेबोरेट करो अकॉर्डिंग टू द लाइन्स जो आपके पास बच रही हैं. पर ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आने चाहिए इसमें से. इसके जो सब क्लासिफिकेशन वो आने चाहिए. इनमें से जो डिटेलिंग करनी है वो आपके हिसाब से है कि कितना आपको टाइम बच रहा है या सॉरी जितनी लाइन्स बच रही हैं. थ्रू आउट केंद्र राज्य वित्तीय संबंध आर्टिकल और पार्ट जरूर मेंशन करें. 5 points में से एक्सप्लेन करें. टोटली डिटेल अकाउंटिंग थी और कुछ भी नहीं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द मेन कंटेंट इन द फ्रेमिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, द 10 marker क्वेश्चन, द ओनली क्वेश्चन विच आई हैड गिवन दैट इज रिलेटेड टू एमरजेंसी. सो आपका जो 10 marker क्वेश्चन दिया गया था वो आपातकाल के उपबंध से था और ये था कि आपको समालोचना करनी थी संवैधानिक प्रावधानों की जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है. नेशनल इमरजेंसी, आपको सभी पूरे इमरजेंसी प्रोविजंस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी समालोचना करनी थी. और आपको बताया था मैंने कि जब भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना होता है, मतलब जब भी आपको समालोचना करनी रहती है तो उसका फ्रेमिंग कुछ ऐसा होगा. पहली बात तो 10 marks का क्वेश्चन है, 125 words हैं, 3 या 4 paragraphs में जाएगा. ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखें ताकि आपको समझाने में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेटिव पॉइंट नहीं, इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ नहीं जिसे आप पॉइंट्स में लिखेंगे. क्रिटिकल अप्रिसिएशन है तो आपको पैराग्राफ में लिखना ही होगा जिस तरह से न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं. ठीक है, हाँ कुछ हाईलाइटिंग का या कैची बनाने की प्रेजेंटेशन को आप अपने कोई यूनिक तरीका ऐड करना चाहते हो तो करें, लेकिन पैराग्राफ ज़रूर होंगे, 3 से 4 paragraphs होंगे. और क्रिटिकल अप्रिसिएशन है इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा. आपको पहले आलोचना ज़्यादा करनी है फिर थोड़ा सा उसको बैलेंस करना है. ठीक है, समालोचना में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जहाँ पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो पहले तो क्रिटिसाइज करो, उसके बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग करो और आखिर में कंक्लूजन लिख दो. तो एक छोटा सा पैराग्राफ पहले इन्फॉर्मेशन का आएगा. अगर मैं 3 paragraph में ही बताऊँ इसको तो एक छोटा सा, एक होता है ना कि 25 words का इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आएगा, एक बड़ा जो पार्ट होगा वो समालोचना होगी जिसका 75% जो होगा वो नेगेटिव चीज़ें होंगी, 25% जो है वो पॉजिटिव चीज़ें होंगी और एक छोटा सा जो पार्ट है आखिरी का वो आपका निष्कर्ष होगा. ठीक है, मतलब अगर मैं 125 वर्ड्स को इस तरह से बांटूं तो 25 का इंट्रो होगा, 25 का निष्कर्ष होगा और 20 का बीच का जो आपका पार्ट होगा वो पूरा का पूरा क्रिटिकल अप्रिसिएशन होगा, मैक्सिमम नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव. कई लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझा है इस चीज़ को और आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट करता है. आपके डिस्कशन कम्युनिटी पे आप जाइए, जो लोग अब तक विजिट नहीं करे आंसर्स को पढ़िए, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेमिंग को समझ के लोगों ने इसमें अपने आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, आई लाइक अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स जो इस आंसर के लिए पर्टिकुलरली आए हैं. तो कैसी फ्रेमिंग होनी चाहिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन पार्ट में दूं, तो फिर भाई थोड़ा सा जो आपको संवैधानिक प्रावधान है नेशनल इमरजेंसी का जिसको हम समालोचना जिसकी करने वाले हैं उसके बारे में बताएं. तो कि क्या है तो बताएंगे आप कि भाई पार्ट 18 में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है. राष्ट्रीय आपातकाल एक तरह का एकात्मक प्रावधान है, एक तरह का यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3 कारणों से लग सकता है. तो जो रीजंस दिए गए हैं आपके जो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. इम्पैक्ट बता सकते हैं कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो किसी भी देश के हिस्से में या पूरे देश में, तब लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं. राज्य सरकारें केवल नाम मात्र के लिए रह जाती हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो केंद्र के कहने पर अपने सारे निर्णय लेती हैं. ठीक, केंद्र के हाथों की कठपुतली बन जाती है कह सकते हैं. ठीक, तो कारण बताइए, प्रभाव बताइए, कुछ संवैधानिक प्रावधान और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं. जैसे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति का नाम मेंशन करना ना भूलें, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 महीने के अंदर अंदर मिलनी चाहिए और आखिरी में जब उसे रिवोक किया जाता है तो सिंपल मेजॉरिटी से उसे रिवोक किया जाता है, लेकिन लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. तो जो संवैधानिक तरीका है इसे इम्प्लीमेंट करने का वो बता सकते हैं. ये आपके ऊपर है इन्फॉर्मेशन, आप इसमें से जो देना चाहो. आर्टिकल तो मेंशन करना ज़रूरी है, कारण मेंशन करना ज़रूरी है. ठीक है, प्रभाव को आप बाद में भी डील कर सकते हो. ठीक है, प्रभाव को बाद में भी डील कर सकते हो या चाहो तो थोड़ा सा शुरू में भी बता दो. आप इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि जो कारण है वो ज़रूरी नहीं है कि 5-6 महीने में ख़त्म हो जाए, वॉर हो चाहे एक्सटर्नल अग्रेशन हो, जो भी हो वो कितने भी टाइम तक हो सकता है, इसलिए अनिश्चित काल तक लगाया जाता है, लेकिन हर 6-6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है. ठीक है,
ये चीज़ें आप बता दीजिए पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट में, उसके बाद आ जाइए आप इस क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में नेगेटिव ज़्यादा होंगे। पहली चीज़ तो ये अनिश्चित काल के लिए जो लगती है, ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसे रहती कि कई बार अगर मान लीजिए गलत तरीके से आपातकाल लगाया गया, गलत कारणों से लगाया गया जो जस्टिफाई नहीं हो सकता, तो ऐसे में ऐसा है कि एक बार आपातकाल लग गया तो वो कितने भी बार तक लग सकता है। संसद में अगर एक पार्टी का ऐसी मेजॉरिटी है कि हर 6 महीने में अप्रूवल मिलना भी आसान है, तो फिर वो कितने भी टाइम तक लिए आपातकाल लग सकता है। अभी अभी जिस लाइन को बोला मैंने समझी है, अगर केंद्रीय संसद में किसी एक पार्टी की ऐसी मेजॉरिटी है कि 6-6 महीने की अप्रूवल में भी वो अप्रूव होना है ही, अगर केंद्र सरकार चाहे तो अप्रूव होगा ही, तो ऐसे में तो फिर नो टाइम लिमिट का मतलब ये है कि कई समय तक के ये एकात्मक ढांचा भारत में लगा रहेगा, जो कि संघात्मक ढांचे पर एक बहुत बड़ा आघात है। तो अनिश्चित काल वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो ज़रूरी भी है, हम बाद में उस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को रख सकते हैं कि इट इफेक्ट्स फेडरलिज्म। भारत जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं उसके अपवादों में भी हम गिनते हैं इसे, और एक बहुत बड़ा आघात होता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है संघीय ढांचे पर। राज्य सरकारों का जो महत्व है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, फेडरलिज्म पूरी तरह से रप्चर हो जाती है। इस पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो आम लोगों पर पड़ता है कि उसके जितने मौलिक अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 तो जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई वैसे ही हट जाता है, और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस पास करके बाकी सारे एक्सेप्ट 2021 बाकी सारे जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों से छीन लिए जाते हैं। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कि संघीय ढांचे पर आघात है और लोगों के मौलिक अधिकारों पर आघात है, इन चीज़ों को आप हाईलाइट करें। पॉलिटिकल मिसयूज़ बहुत होता है कि इसमें कुछ कारण ऐसे हैं कि जिसको गलत तरीके से उस कारण तक पहुंचा करके, जैसे एक बार हुआ भी था ऐसा बोला जाता है 1975 वाली चीज़ में, कि गलत तरीके से उस कारण तक पहुंचा करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि कई लोग ये बोलेंगे कि मैम अब तो वो नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन के तहत ऐसा हो सकता है, ठीक है। और संसदीय स्वीकृति जो है वो गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर ली और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हाई मेजॉरिटी है सेंट्रल में, तो संसदीय स्वीकृति मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का डेंजर गेम है इमरजेंसी का प्रोविज़न, कि हम फेडरलिज्म को ख़तरे में ही डालते हैं अगर इमरजेंसी के प्रोविज़न को संविधान में देखते हैं तो। तो पॉलिटिकली अभी भी कई तरीक़ों से इसका मिसयूज़ हो सकता है। हाँ, आप 44th अमेंडमेंट का मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि 42वें संशोधन से बहुत सारे इमरजेंसी के प्रावधानों को और आसान बनाया गया था। और 44th खास तौर पे संशोधन का जिक्र ज़रूर करें कि तीसरी इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा था उससे जिस तरह की इंडिया में हाहाकार मचा था, उस वजह से इमरजेंसी के प्रावधानों में बहुत सारे बदलाव, कमियों की सुधार जो है 44th अमेंडमेंट से की गई थी, ठीक है। जैसे कि 2 महीने में अप्रूवल जो मिलना था वो 1 महीने में मिलने की बात हो, या फिर हर 6-6 महीने में रिव्यू की बात हो, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसकी जगह पर आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह वाला वर्ड बदलने की बात हो, वो पहले ज़्यादा कमियां थी। अगर 44वां संशोधन नहीं हो सकता होता तो आपको कमियों में उन चीज़ों को भी गिनाना पड़ता, लेकिन 44वां संशोधन ने इसकी कई कमियों को ठीक किया है और जो कमियां हैं उस पर भी कुछ सही नतीजा सही तरीके से बदलाव किया जा सकता है। तो आप थर्ड इमरजेंसी के टाइम भारत पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में और 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या सुधार किए उसके बारे में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक। उसके अलावा जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, मैंने कहा ना नेगेटिव 75%, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव भी डालिए कि भाई अनिश्चित काल वाली चीज़ इसलिए रखी गई क्योंकि कारण है उसकी समय सीमा निश्चित नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन ऐसा निकल ही नहीं सकता क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा हमें पता नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ को हम कमी नहीं बोल सकते, आप ऐसा पॉजिटिव करके डिफेंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीनते हैं, मतलब अगर संविधान ये प्रावधान नहीं रखता, तो मौलिक अधिकारों का मिसयूज़ करके कई जो असामाजिक तत्व हैं वो इमरजेंसी के दौरान जो हैं वो नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, इसलिए उसका मिसयूज़ ना हो फंडामेंटल राइट्स का, इसलिए इसका छीना जाना कहीं ना कहीं सही है। उसके अलावा सिक्योरिटी बिफोर फेडरलिज्म, आपको पॉजिटिव चीज़ ये बतानी है कि नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान डालने से हमें ये समझ में आता है कि हमारा संविधान भारत की जो सुरक्षा है उसे संघात्मक ढांचे से पहले रखता है,
मतलब अगर युद्ध हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या बाह्य आक्रमण हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि उस समय भारत की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी, उस पर आघात हो रहा है। ऐसे टाइम पे अगर ज़रूरी पड़े तो हम संघात्मक ढांचे को सस्पेंड भी कर सकते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया की, लोगों की और देश की सिक्योरिटी को सामने रखा गया और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में फेडरलिज्म ज़रूरी है लेकिन उससे पहले जो है वो सुरक्षा ज़रूरी है। तो देश की जो सिक्योरिटी है उसको सामने रखा गया, इसको पॉजिटिव बताएगी संवैधानिक प्रावधानों से। उसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड, जब भी इमरजेंसी लगती है, देखो हाँ, हर एक तरीके ढांचे के अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पर आपका यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होता है, मतलब एक जो छोर है, जो एक एपेक्स बॉडी है, वो पूरे एरिया का डिसीजन लेता है। और इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। एक इंसान फैसला जब पूरे एरिया के लिए लेता है तो वो यूनिफॉर्म होता है, और अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा तो सबके लिए बुरा होगा, डिस्क्रिमिनेटरी कुछ भी नहीं होता। तो यूनिटी गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में और सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, उसके अलावा ये भी बताएं कि भाई संवैधानिक प्रावधान ये भी कहता है कि ये तो एकदम हम इमरजेंसी सिचुएशन में लगा रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशंस आ पड़ी है कि हम फेडरलिज्म नहीं कंटिन्यू कर सकते, लेकिन जब भी ऐसा लगे कि अब ज़रूरत नहीं है तो फौरन इसे हटाया जा सकता है, और हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। लगाना मुश्किल है, हटाना आसान है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इमरजेंसी को एकदम रेयरेस्ट केस में लगाया जा रहा है, और जब हटाना रहता है तो सिर्फ साधारण मोमेंट से हटाया जा सकता है। एक तरह से इसको अवॉइड करने की ही कोशिश करता है संविधान। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, फिर उन नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिए या इसकी पॉजिटिव चीज़ों को उठाइए और दोनों का बैलेंस करके एक निष्कर्ष लिख दीजिए कि भाई नेशनल इमरजेंसी जो है वैसे तो फेडरलिज्म का एक अपवाद है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में संविधान निर्माताओं के समक्ष यही सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था और इसलिए इसे रखा गया है। और अगर इसका मिसयूज़ ना हो तो निश्चित ही तौर पर ये भारत के प्रशासनिक ढांचे को स्ट्रॉन्ग ही करेगा, सुदृढ़ ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, गलत तरीके से बस इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सही तरीके से इस्तेमाल हो तो इसके जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी ही। ठीक, तो इस तरह से आप इस फ्रेमिंग में आए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, पूरा पूरा नेगेटिव 75%, 25% उसको बैलेंसिंग करिए और फाइनल में आपका कंक्लूजन। इज इट क्लियर? सो दैट इज इट विद ऑल द क्वेश्चंस जो हमने इस टॉपिक पे अपलोड किए थे। और यहाँ आपके पॉलिटी के सारे टॉपिक्स करीब करीब, अगर दो चार छूटे होंगे तो उसके लिए अपोलोजाइज, वो चीज़ें उनमें इंक्लूड कर सकते हैं या एक आध दो क्वेश्चंस उसमें से आप लेकर खुद भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ना, हर टॉपिक पर आप 100 वर्ड्स बनाकर रखिए, 125 भी कवर हो जाएगा, 60 भी कवर हो जाएगा, उसमें 2 मार्कर तो पूरे फैक्चुअल है। तो हमने कोशिश की है कि पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दें। डिटेल लेक्चर्स के लिए पहले भी कह चुकी अपने वीडियोस में कि मोबाइल कोर्सेज को देखें। ठीक है, वैरायटी ऑफ बुक्स थोड़ा सा पढ़ें, क्रॉस अब प्रिलिम्स में एक बुक्स पर डिपेंडेंट रहते थे, ऐसा ना रहें, थोड़ा सा एक दो बुक से कंसल्ट करके यहाँ से कुछ पॉइंट, वहाँ से कुछ पॉइंट निकाल कर लिखें। ठीक है, तो आपका क्या इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन कंटेंट इसमें किस तरह से आपको लिखना है, ये सब मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में बताई हूँ। अगर आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ इट विद द लास्ट लेक्चर ऑफ द मेन सिलेबस ऑफ पॉलिटी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।